मैथिली मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अब भरत जी के पास चलते हैं। भरत जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर, और आपको छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं भी। हमारे श्रोताओं दर्शकों के लिए आपने क्या सोचा है आज? फ्रेम फ्रीज दिखाई दे रहा है, सिग्नल्स में कुछ व्यवधान है, उनका रुख हम फिर से करेंगे। शिवांगी आप तक पहुंचा रही है मुंबई से वो रंग, जो ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई के कुछ हिस्सों को उसने पूरी तरह बिहार के रंग में रंग दिया है। शिवांगी के पास हम चले, उससे पहले उमेश हमारे संवाददाता गांधी घाट से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य आज देना है और कल सुबह उदित होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन होगा। आज जबकि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है, उस तस्वीर को जरा पटना से आ रही तस्वीरों को फुल फ्रेम में लें। उमेश के पास हम चलते हैं। उमेश, वहां क्या नजर आ रहा है और क्या अर्घ्य देने का काम शुरू हो गया? डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है, खूबसूरत सूपों के साथ भगवान भास्कर को प्रणाम किया जा रहा है। जी दिनेश, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि सूर्यास्त का वक्त हो गया है और अब धीरे धीरे अर्घ्य देना जाना शुरू हो गया है। आप जहाँ पर देखेंगे ये गंगा घाट है, और यहाँ पर जिस तरफ भी आपकी निगाह जाएगी वहाँ पर इसी तरीके से विहंगम दृश्य दिखाई पड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने जरूर इस तरह की बात कही थी कि जो कोविड है उसको देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों पर पूजा करें, लेकिन आस्था है और आस्था का सैलाब है, श्रद्धा है लोगों की, लोगों को उपासना है, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मैं आपको इस बीच में और दिनेश जी ये भी बताना चाहूँगा कि केवल अकेला ऐसा त्यौहार है जिसमें उगते हुए सूरज के साथ डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, और पति के साथ साथ पुत्र के भी लंबी उम्र की कामना की जाती है। तो अपने आप में अनूठा महापर्व है, और शायद यही वजह है। और देखिए, इसको लेकर लोगों की भावनाएं यहाँ पर इसके साथ जुड़ी हुई हैं। अभी मेरे एक मित्र ने मुझे मैसेज करके कहा कि इसे डूबते हुए सूर्य की बजाय अगर आप अस्ताचलगामी सूर्य कहेंगे तो बेहतर होगा, और मैं ये करेक्शन करता हूँ, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हुए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।